हेलो दोस्तों, नवीन क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BSSF 101 की यूनिट 15, जो कि है प्रशासनिक संरचना और प्रक्रियाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस यूनिट का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव। इसमें आपको बताना है कि मुख्य कार्यकारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जो स्टेटमेंट है, कौन सा जो कथन है, वो सही नहीं है। ए, द चीफ एग्जीक्यूटिव परफॉर्म्स वेरियस लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस। मुख्य कार्यकारी विभिन्न विधायी कार्यकारी और न्यायिक कार्य करता है। ऑप्शन बी कहता है द चीफ एग्जीक्यूटिव इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, कि मुख्य कार्यकारी जो है वो प्रशासनिक नीति के निर्माण में शामिल है। ऑप्शन सी सेज दैट द चीफ एग्जीक्यूटिव डजंट प्रोवाइड लीडरशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मुख्य कार्यकारी प्रशासनिक नीति जो है किसी संगठन जो है उसमें नेतृत्व प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन डी सेज द चीफ एग्जीक्यूटिव डेलीगेट सम ऑफ हिज पावर्स टू द लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज, कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो अपनी कुछ जो उसकी शक्तियां हैं लाइन और स्टाफ एजेंसियों को सौंपता है। तो सही जवाब आपको क्या चुनना था कि इनमें से चीफ एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, तो वो थी स्टेटमेंट सी जो कि ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव मुख्य कार्यकारी जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है किसी भी संगठन के अंदर। तो आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिटेल्ड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। Every application of law is an act of administration. इसमें निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक प्रशासन को कानून का विस्तृत और व्यवस्थित अनुप्रयोग कहा है, कि कानून का प्रत्येक अनुप्रयोग प्रशासन का एक कार्य है। चार विकल्प आपके पास है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन सी है डिमॉक और ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। तो सही जवाब जो है जैसा वो है ऑप्शन बी वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने ऐसा कहा है कि कानून का विस्तृत और व्यवस्थित अनुप्रयोग इसको उन्होंने कहा है सार्वजनिक जो प्रशासन है, कानून का प्रत्येक अनुप्रयोग प्रशासन का ही एक कार्य है। एवरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डैश रिप्रेजेंट्स अ मिक्सचर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल टाइप्स। डैश जो है आपको बताना है इसमें संसदीय और राष्ट्रपति प्रकार के बुनियादी सिद्धांतों के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? ऑप्शन ए कॉलेजियल एग्जीक्यूटिव, की कॉलेजियल जिम जो कार्यकारी है वो। ऑप्शन बी डिसजॉइंट एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को निरस्त करती है जो। ऑप्शन सी सिंगुलर एग्जीक्यूटिव, एक वचन कार्यकारी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो है इसका वो आपको पता भी चल गया होगा इनके जो मीनिंग है उनके हिसाब से, वो है ऑप्शन ए कॉलेजियल एग्जीक्यूटिव। कॉलेजियल एग्जीक्यूटिव जो है वो मिक्सचर है कि दोनों ही पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल पावर्स का जो मिक्सचर रिप्रेजेंट करता है वो होता है कॉलेजियल एग्जीक्यूटिव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर इज द डैश इज द पॉलिटिकल हेड एट द स्टेट लेवल एंड डैश हेड्स द एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बताना है कि आपको राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रमुख कौन होता है और प्रशासन प्रमुख कौन होता है। चार विकल्प आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए कहता है कि गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी, बी सेज दैट चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी सेज दैट चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सेक्रेटरी एंड ऑप्शन डी सेज दैट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कि जो मुख्यमंत्री जो है वो किसी भी स्टेट का जो है पॉलिटिकल हेड होता है और जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करता है, वो प्रशासन का प्रमुख होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम भी करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए एजेंडा भी तैयार ये करता है, बैठकों की व्यवस्था भी ये करता है, कार्यवाही के रिकॉर्ड भी ये देखता है। क्वेश्चन नंबर फाइव इज फिनर और कुछ अन्य विचारकों का मानना है कि स्टाफ एजेंसियों में शामिल है। आपको बताना है कि फिनर और जो कुछ और थिंकर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो स्टाफ एजेंसीज हैं उनमें क्या शामिल है। ऑप्शन ए जर्नल एजेंसी उनके अंदर शामिल है यानी कि सामान्य एजेंसियां। ऑप्शन बी कहता है टेक्निकल एजेंसीज, तकनीकी एजेंसियां। ऑप्शन सी कहता है ऑक्सिलरी एजेंसीज,
कि सहायक एजेंसियां उसमें शामिल हैं। ऑप्शन डी कहता है कि ये सब जो है वो एजेंसियां इसमें शामिल हैं, और यही आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कि जो हमारी स्टाफ एजेंसीज होती हैं उनमें जर्नल, टेक्निकल और ऑक्सिलरी एजेंसीज सब इंक्लूडेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट इज एन एग्जांपल ऑफ, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री सचिवालय किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए लाइन एजेंसी, ऑप्शन बी जर्नल एजेंसी, ऑप्शन सी टेक्निकल एजेंसी या ऑप्शन डी ऑक्सिलरी एजेंसी। तो सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन बी जर्नल एजेंसी। जर्नल एजेंसी का प्राइम मिनिस्टर का जो सेक्रेटरीट होता है, प्रधानमंत्री का सचिवालय जो है, कैबिनेट सेक्रेटरीट भी जिसे बोलते हैं, वो किसका एग्जांपल है, वो एक जर्नल एजेंसी का एग्जांपल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7 है, डैश इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, आपको बताना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो गतिविधि होती है वो कौन सी है। ऑप्शन ए प्लानिंग करना, योजना बनाना, ऑप्शन बी बजटिंग, ऑप्शन सी रिपोर्टिंग या ऑप्शन डी स्टाफिंग। सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन ए प्लानिंग। प्लानिंग जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो सब से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु हैज कंडेंस्ड द ड्यूटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर इन द फॉर्म ऑफ एक्रोनियम ऑफ POSDCORP पोस्ट कॉर्प। तो पोस्ट कॉर्प की प्रसिद्ध परिचय में किस व्यवस्थापक के कर्तव्य ने कर्तव्य को, मतलब इसको एक्रोनियम इस फॉर्म में इसकी शॉर्ट फॉर्म दी है पोस्ट कॉर्प। चार विकल्प आपके पास है, ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी पीटर ड्रकर, ऑप्शन सी लूथर गुलिक, ऑप्शन डी साइमन। तो सही जवाब जो इसका है वो है आपका ऑप्शन सी लूथर गुलिक। लूथर गुलिक जो है इन्होंने ही पोस्ट कॉर्प ये एक्रोनियम दिया, जिसमें जो पी होता है वो होता है प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सीओ से बनता है कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग। इसमें जो प्रत्येक अक्षर है वो एक विशिष्ट किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी को या एक प्रशासनिक प्रक्रिया को दर्शाता है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, आपसे हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो पोस्ट कॉर्प की आपको फुल फॉर्म याद करनी है, और एक आपको ये पता होना चाहिए कि एक्रोनियम किसने दिया था, ये दिया था लूथर गुलिक ने। क्वेश्चन नंबर 9 इज Division of work comes under which of the following function of post corps? इसमें आपको बताना है कि कार्य विभाजन जो है वो post corps के निम्नलिखित कार्यों में से किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए प्लानिंग, बी डायरेक्टिंग, सी ऑर्गेनाइजिंग या डी कंट्रोलिंग। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंडर क्या आता है कि डिवीजन ऑफ वर्क, कि कौन क्या काम करे, मतलब कैसे काम होगा, जो वर्क का डिवीजन होता है कि कौन सा काम जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, ये आता है सी ऑर्गेनाइजिंग के अंडर। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, हु नैरेटेड द स्टेटमेंट द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्संस टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि किसने कथन ये कहा है कि प्रशासन की कला लोक प्रशासन के कुछ उद्देश्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई व्यक्तियों की दिशा, समन्वय और नियंत्रण है। चार विकल्प आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन ए है मिलेट, बी इज एलडी व्हाइट, ऑप्शन सी इज जॉन गैरेट, ऑप्शन डी इज थॉम्सन। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन बी एलडी व्हाइट। एलडी व्हाइट ने क्या बोला है कि द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी persons, और इसका मकसद क्या होता है, टू अचीव सम स्पेसिफिक पर्पस या ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 इज, यूपीएससी का नाम आपने बहुत बार सुना है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इट इज अ सेंट्रल एजेंसी दैट, आपको बताना है कि वो क्या काम करती है। ऑप्शन ए कंडक्ट्स एग्जाम फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन, संघ की सेवाओं के लिए नियुक्तियों के लिए परीक्षा वो आयोजित करवाती है। ऑप्शन बी है is consulted for matters relating to the recruitment, promotions and control of the public services, ki sarvajanik sevaon ki bharti,
पदोन्नति और नियंत्रण से संबंधित मामलों में वो अपनी परामर्श वो देती है। ऑप्शन सी इज असिस्ट स्टेट्स इन फ्रेमिंग एंड स्कीम्स फॉर ज्वाइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विस, कि किसी भी सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती के लिए वो योजनाएं तैयार करती है और राज्यों की हेल्प करती है कि उसको कैसे कंडक्ट करवाना है। ऑप्शन डी इज कि जो ए बी सी जो दिए गए थे वो सभी यूपीएससी के फंक्शन है। तो यही आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कि जो आपको बताए गए थे कि यूपीएससी का क्या काम है कि यूनियन जो है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना सर्विसेज के लिए, और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी फैसले लेती है, या जो भी मतलब कि फैसला तो खैर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ज्यादातर उस पर डिपेंड करता है, पर जो ये है उस मामले में सलाह जरूर देती है प्रमोशन के लिए, कंट्रोल की करती है ये पब्लिक सर्विसेज को, और ये हेल्प भी करती है स्टेट्स की कि किस तरह से किसी भी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसको सही तरीके से चलाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 12 इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोल एज अ प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको बताना है कि कंट्रोल जो है, जो होता है कंट्रोल नियंत्रण जो होता है प्रशासन में एक प्रक्रिया के रूप में उसका क्या महत्व है। चार विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन ए कहता है कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन, कि नियंत्रण अच्छे प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन बी इज इट एंश्योर्स दैट द वर्क हैज बीन अकम्प्लिश्ड अकॉर्डिंग टू स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, कि यह सुनिश्चित करता है कि कार्य जो है वो निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार पूरा किया गया है। ऑप्शन सी सेज दैट इट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू सजेस्ट रेमेडियल एक्शन एंड इम्प्रूव्स द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि यह प्रबंधन को सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव देता है और प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करता है। ऑप्शन डी इज ऑल द अबव। तो सही जवाब इसका है आपका ऑप्शन डी, ऑल द अबव आर राइट, कि नियंत्रण किसके लिए है, नियंत्रण क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे जो आपकी प्रशासनिक प्रक्रिया है वो भी सुचारू रूप से चलती है, और इससे जो निर्धारित जो आपके उद्देश्य हैं उनके उनके लिए जो भी कार्य हो रहे हैं वो ढंग से होते हैं, यह भी यह सुनिश्चित करता है, और ये प्रबंधन के सुधार के लिए भी कार्य करता है, सुझाव ये देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स। इसमें आपको बताना है कि जो आर्टिकल 53 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में, उसमें आर्टिकल 53 में आपको बताना है कि क्या कहा गया है। ऑप्शन ए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता उसमें दी गई है। ऑप्शन बी इज रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय उसमें दिए गए हैं। ऑप्शन सी कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ऑप्शन डी सेज एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, कि इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां आती हैं। तो देखिए बाकी जो जवाब हैं वो इसके गलत हैं, केवल जो आपका ऑप्शन सी है वो सही है, कि आर्टिकल 53 जो है अनुच्छेद 53 ये कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उनके द्वारा इस संविधान के अनुसार सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस यूनिट का मुझे लगा कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा है वो है द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज। इसमें आपको बताना है कि प्रबंधन की संयुक्त स्टॉक कंपनी के रूप में जाना जाता है किस नाम से। ऑप्शन ए सिंगल ऑनरशिप कंपनी, एकल स्वामित्व कंपनी, ऑप्शन बी मिक्स्ड ऑनरशिप कंपनी, मिश्रित स्वामित्व वाली कंपनी, ऑप्शन सी सेज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, एंड लास्ट ऑप्शन कहता है कि ना ए और ना बी जो है वो सही है। देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसको क्या कहा जाएगा, मिक्स्ड ऑनरशिप कंपनी। तो इसी के साथ जो ये यूनिट थी 15 वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवाए हैं। वीडियो को आपने अच्छे से देखा, उसको आपने अपना समय दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता रहेगा तो मैं आपके लिए और भी अच्छा और भी ज्यादा कंटेंट लेकर आती रहूंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल
टू हैव मोर वीडियोज ऑन दिस सब्जेक्ट एंड सम अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। तब तक के लिए बाय बाय।